नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे, अगर आपके पास दुधारू पशु है तो गर्मी में उसकी किस तरीके से देखभाल करी जा सकती है। नमस्कार, मैं शुभम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान भारती टीवी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरीके से गर्मियों में अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, उनका रखरखाव किस तरीके से कर सकते हैं। इस समय देश में तापमान 40 से 45 डिग्री के करीब है और राजस्थान में तो ये 50 डिग्री के करीब पहुँच रहा है। देश के कई इलाके भट्टी की तरह तप रहे हैं और देश में लू भी चलना चालू हो चुकी है, जिससे इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी कई तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। हम इंसान तो अपने आप को बचा लेते हैं, पर हमारे जानवर हमारे पे आश्रित रहते हैं और उन्हें हमारी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके घर में दुधारू पशु है और वो दूध दे रहा है तो उसकी देखभाल किस तरीके से करनी है हम आपको बताएंगे। गर्मियों के समय में आपको अपने पशु के लिए अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता रखनी है। पानी ठंडा और ताज़ा होना चाहिए, पानी बासी और गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि पशु ऐसा पानी पिएगा नहीं। अगर आप ठंडा या और ताज़ा पानी रखेंगे तो पशु ऐसे पानी को पी के अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकता है। आप हमेशा पानी की उपलब्धि बनाए रखिए ताकि आपके पशु को किसी भी तरीके की कमी ना हो पानी की। उसके बाद अगर हम चारे की बात करें तो चारे में आप जितना हो सके सूखा भूसा और खरी में मिला के उसको दें ताकि आपके पशु को चारे की कमी ना हो। अगर आपका पशु दुधारू है तो उसे दूध के हिसाब से दाना दें और उसके शरीर को मेंटेन करने के लिए, उसके शरीर में ताकत के लिए आप उसे ताकत वाला दाना भी दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि उनको रखरखाव किस तरीके से करनी है, तो आप पशु को रात के समय खुले बाड़े में बांधे जो आसमान के नीचे हो, जिससे आसमान से गिरने वाली ठंडी और तापमान ठंडा होने के कारण वो पशु अपने शरीर का तापमान कम कर सके और वो रात को अपने पेट का खाना पचा सके और वो पाकुर कर सके, यानी कि मुंह चला सके, जिससे खाने की पचाने की क्षमता और कार्य श्रेय बढ़ जाती है। उसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पे आप पशु को बांधे उसके नीचे पक्की जमीन नहीं होनी चाहिए, मिट्टी की जमीन होनी चाहिए, ताकि मिट्टी से निकलने वाली ठंडी आपका पशु अपने शरीर में ऑब्जॉर्व कर सके, उसको अपने शरीर में ले सके। उसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पे आप दिन में अपने पशु को बांधे तो वो छांवदार इलाका होना चाहिए, जहाँ पे हवा का सुचारू रूप से चलनी चाहिए, जहाँ पे हवा आनी चाहिए। कई बार हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो तिरपाल या फिर क्या कहते हैं बोरा लगा के अपने पशु के लिए हवा रोक देते हैं, जिससे आपके पशु का शरीर का तापमान बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है और आपके पशु के मरने की भी स्थिति हो जाती है। ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने पशु को निर्धारित और सुचारू तरीके से हवा के आदान प्रदान वाले इलाके में बांध के रखें, जहाँ पे उनको हवा अच्छे से आ सके और हवा मिल सके। उसी के साथ अगर आप अपने पशु को अब भूसे या क्या कहते हैं चारे जो हम पराली कहते हैं उससे बने हुए शेड में रखें और उसको हल्का सा गीला कर दें, जिससे निकलने वाली हवा भी ठंडी होगी, जिससे आपके पशु को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा और आपके पशु को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी और आपके पशु काफ़ी अच्छे से रह सकते हैं। अपने पशु को पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें और शाम को धोने से पहले अपने पशु को नहलाएं ज़रूर। गाय हो या चाहे भैंस हो, उसको नहलाना गर्मी में बहुत ज़रूरी है ताकि उसके शरीर की गर्मी निकल जाए और वो आराम से रह सके। रात में सुलाने से भी पहले एक बार अपने पशु को हल्का सा नहला दें और जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे थोड़ा सा जमीन को गीला कर दें। आज के कार्यक्रम में इतना ही, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।